आई एम मेहुल राठौर, आई एम करेंटली NIIT मद्रास परसुइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैंने लाइक 12th पढ़ा था TRB सर से, एंड बिफोर मतलब TRB सर से पढ़ने के पहले मेरे को लगता था कि लाइक मेरी 11th का फिजिक्स काफ़ी स्ट्रांग है। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम, आई मीन व्हेन ही टॉट मी ऑल दोज 11th टॉपिक्स, तब समझ में आया कि नहीं लाइक काफ़ी अच्छी फिजिक्स इज मोर लर्निंग, आई मीन इट्स समथिंग मोर फन टू लर्न। मेरा 11th काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था GRB सर ने, फिर देन ही टॉट अस 12th एंड 12th वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो आई मीन सरप्राइजिंगली मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था एज कम्पेयर टू अदर्स। हेलो एवरी वन, कैसे है भाई सब लोग? तो यार आज एक और जबरदस्त फैकल्टी मेम्बर जो है इसरल के परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं। आप बच्चे बोल रहे हो सर क्या हो रहा है ये, और आज जो फैकल्टी आने वाले हैं ना भाई, उनके बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हो, आप दंग रह जाओगे सुन के। उनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे टॉप AIRs, एवरेज से एवरेज बच्चा भी IIT में पहुंचा हुआ है, कैसे उन्होंने पहुंचा है, क्या करा, वो सारी चीज़ करने वाले हैं अपन डिस्कस आज, ठीक है ना। तो आप वेलकम के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जो सर है हमारे वो IIT बॉम्बे से है, ठीक है ना। अरे सर क्या बात, अब देखो दूसरी बात बताता हूँ। 2006 मतलब 18 साल का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस है उन्हें। आप में से काफ़ी सारे बच्चे तो शायद 2006 में पैदा भी नहीं होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो तब से पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे टॉप AIR जेई मेन हो जेई एडवांस हो उनके बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वेलकम करें, आपको पता है फिर कमेंट में वेलकम कैसे करते हैं यार, आप जो इतना वेलकम करते हो टीचर्स को इतना अच्छा लगता है और इतनी प्राइड मोमेंट की फीलिंग आती है और पढ़ाने में और डबल दिल लगता है, डबल जान लगती है। तो भाई आज लॉन्च हो रहा है कोटा के जो लेजेंडरी फैकल्टीज हैं, ठीक है ना, GRB सर, गौरव विनायका सर, ईसरल फिजिक्स में उन्होंने ज्वाइन किया है। तो भाई बच्चों जोरदार तालियों के साथ में और आपकी तालियां कमेंट्स में वेलकम GRB सर, वेलकम GRB सर की तरफ से मिल जाएगी। तो भाई जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करते हैं। सर मोस्ट वेलकम टू इसरल फैमिली। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय बच्चों, मैं GRB सर और फिजिक्स का फैकल्टी हूँ मैं। आपको सर ने बता ही दिया है कि मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो सर देखो बच्चों एक बात मैं बताता हूँ, देखो यार आज मतलब एक बड़ी बात बताता हूँ। देखो यार आज सर को मतलब फीवर भी था, उसके बाद भी यार सर आए कि नहीं सर अपने को काम चालू करना है, पढ़ाना है ना, बहुत बड़ी बात है। डेडिकेशन डे वन से अपने को जो है दिख रहा है। सर आपने मतलब 18 साल बड़ा एक्सपीरियंस है सर 18 साल का, ठीक है ना, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है ना। फिजिक्स का सर इसरल में अपन बोलते हैं कि फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, है ना सर, और हम भी बनाएंगे दीवाना, ऐसी बात। तो दीवाना बनाने की कैटेगरी में सर केमिस्ट्री मैथ्स भी बनाती है, पर फिजिक्स की सर फिजिक्स की बात बात अलग है, बात अलग है। देखिए फिजिक्स डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, हर समय फिजिक्स आपको दिखेगा, आप चलोगे तब भी फिजिक्स है, आप फूंक मारोगे तब भी फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। आप AIR लाओगे तो भी फिजिक्स है, आज सर फिजिक्स फिजिक्स है मामला, तो आज खुल के फिजिक्स की बातें भी कर सकते हैं सर। और बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ, GRB सर जो है अपने NK गुप्ता सर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो देखो बच्चों मैं आज सर आपने जैसे इतने टॉप AIRs पढ़ाए हैं, कुछ बच्चों की आप इन बच्चों के साथ में सर ये भी बहुत मेहनत करते हैं और सीखने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, कुछ बच्चों की आप स्टोरी शेयर करना चाहें, उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, क्या क्वालिटीज़ रखी जिससे कि टॉप AIRs, क्योंकि सर 18 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पर आप बता भी रहे थे इतने सारे बच्चे जो है, मतलब हर IIT में सर एक बच्चा तो डेफिनेटली एक क्या मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। तो सर कुछ बच्चों की बात बताइए ना सर। पहले मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि एवरेज स्टूडेंट का क्या हाल होता है। तो जैसे एक बच्चा है मेहुल राठौर, ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, और ये वो बच्चा है जिसका 11th बिगड़ चुका था। तो ये वो बच्चा है जो एक साल में 12th और 13th दोनों पढ़ा, और आज ये बच्चा IIT मद्रास में है। तो आप समझ सकते हो मतलब, और वो कैसे पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत हार्ड वर्किंग था, जो जो क्वेश्चन हमने उसको दिए मॉड्यूल के वो सारे उसने किए। पहले उसने आसान किए और एक्सरसाइज 1 जो लेवल 1 होता है, जो इजी प्रॉब्लम होता है, पहले वो किया,
और जब उससे वो होते चले गए तो उसने फिर लेवल टू जो टफर साइड वाले प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्होंने किए, और पहले तो जेई मेन में 98 या 99 परसेंटाइल के आसपास उसका मार्क्स आया था, 99 पॉइंट समथिंग, वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर वो आज की तारीख में उसने मुझे एक साल बाद फ़ोन करके बोला कि सर मैं आज IIT मद्रास में हूँ और मैंने आपको बहुत सारे कॉल किए थे लेकिन शायद वो नंबर दूसरा था और आपका नंबर कुछ और था। फिर मैंने टेलीग्राम से एक बच्चे से ग्रुप से मैंने एक आप क्योंकि मैंने कई सारे ग्रुप बना रखे थे उस समय, तो उसने मुझे फिर ऐसे कॉल करके बताया। तो ये एक ऐसा बच्चा था जिसने एक साल में अपना बिगड़ा हुआ 11 सही किया, 12 भी सही किया। तो मतलब ये सर 11 बिगाड़ने के बाद में क्लास 12th के साथ में IIT मद्रास पहुँच गया ये। ओहो गजब सर। तो यार देखो कोई एवरेज नहीं होता, मेहनत कर ली जाए तो कोई भी बच्चा फोड़ सकता है। सर ये तो वो बच्चा हो गया है ना जिसने मतलब अपनी एक साल में डबल 11th और 12th दोनों मेहनत करके फोड़ दी एकदम। ये सर कुछ टॉप 500-200 के बच्चे हों। हाँ, एक बैच मुझे ऐसा याद आ रहा है जिसमें एक ही बैच में एक बच्चा 160 लाया था। हाँ। एक 400 लाया था और एक 320 भी लाया था। ओके। अब ये जो बैच था इस बैच में जो तीन बच्चे थे ये मेहनत तो करते थे लेकिन इनकी खास बात और थी। जैसे आपने इनको क्वेश्चन दिया, असाइनमेंट दिया, तो ये असाइनमेंट सारा का सारा करते थे और ये भी देख लेते कि कौन सा क्वेश्चन बहुत टफ है कौन सा क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको मालूम पड़ता था और ये उसको रिवीजन के तौर पे टिक कर लेते कि भाई ये क्वेश्चन मुझे वापस से देखना है, और बाकी तो जो आसान है तो देखते ही नहीं थे और मेहनत तो वो भी करते थे। नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल। तो एक चीज़ जो रहती है कि भाई सर जनरली एक चीज़ जो मैंने भी देखी टॉप ARs के बच्चों में सर, इनकी सर अटेंडेंस जो है ना एक तो हाँ, वो जबरदस्त मतलब जो है वो मैंने भी सर इतने सारे बच्चे देखे हैं जो एक भी मिस नहीं करते, क्लास मिस नहीं करते थे एक भी। ये ऑलमोस्ट 100% इनकी अटेंडेंस रहती थी सर। ये सर अगर कोई टॉप 50 वाले बच्चे की आप कुछ ऐसी क्वालिटीज शेयर करना चाहें जो कि ये बच्चे भी जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें जिससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए टॉप 50 आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो अपने काम के प्रति तो फिर आप मान के चलो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ करने का नहीं। तो सबसे पहले तो आपका एक सपना जो होता है ना वो एक जुनून की तरह होना चाहिए कि आपको उसे पाना ही है और उसके लिए पूरी तरह से लग जाना, इतनी मेहनत करो ना कि किस्मत भी आके बोले ले बेटा ये ले तेरा लाइन, मतलब इतनी मेहनत करोगे तो ही कुछ हो पाएगा। मेहनत मेरे हिसाब से हार्डवर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। सर खुद AIR 41 है, सर से आप पूछ लो हार्डवर्क किया होगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर, हार्ड वर्क की तो कोई लिमिट ही नहीं है और सेक्रीफाइसेस भी बहुत करने पड़ते हैं है ना। शादियों में जाना बंद करना पड़ता है रिश्तेदारों की, बर्थडे पार्टी दोस्तों की मिस करनी पड़ती है, फेस्टिवल्स में भी जो है बिल्कुल मिनिमम टाइम देके करना पड़ता है। देखो सेक्रीफाइस ही 50 के अंदर दिलवाएगा और तुम जितने सेक्रीफाइसेस करोगे ना इस एज में वो मतलब आगे उतना ही रिपे करेगा। तो वही सर 50 के अंदर मतलब जैसे एक चीज़ जो मैंने भी काफ़ी सारे बच्चों में देखी और जो मैंने भी अपने उसमें इम्प्लीमेंट करी थी कि जो टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना उसका मतलब उसका रिटर्न बहुत प्रिसाइसली ध्यान से रखना होता है सर। एफिशिएंसी बहुत हाई रखते हैं। जैसे सर कोई भी क्वेश्चन करा तो रफ में नहीं करा, फेयर में सॉल्व करा, बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो बाद में मिलता नहीं है, नहीं तो बिल्कुल सही बात। जो भी 50 के अंदर में पढ़ाई करते हैं उनमें एक बात रहती है, वो आज के हिसाब से नहीं सोचते, वो एग्जाम के हिसाब से सोच के करते हैं बच्चों कि भाई यार मैं जो आज कर रहा हूँ वो आज के लिए, जब एग्जाम के लिए मेरे को रिविजन करना होगा मैं 5 गुना तेजी से कैसे रिविजन कर पाऊंगा है ना। नोट्स में मार्किंग ऐसे रहती है कि दो दो दिन में तो पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाती है। इवन वो शॉर्ट नोट्स ही बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स ही बनाते हैं ताकि वो रिवाइज कर सके और बहुत काम की बातें लिखते हैं, पूरी बहुत बड़ी रामायण नहीं लिखते, वो सिंपल बातें जो बेसिकली काम की जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फोड़ के दिखाएंगी। तो आज तो भाई अपन फिजिक्स के 18 साल एक्सपीरियंस हो चुका है सर को, GRV सर का बहुत 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 स्वागत करें सर आपका वापस से इसरो परिवार में। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों सर को वेलकम करने के लिए जैसे आप सारे टीचर्स का स्वागत कर रहे हैं, इसरो परिवार देखो बढ़ता चला जा रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स बच्चों, आपकी विशेज, इतनी दुआएं आपकी आ रही है ना कि ईश्वर इसरो के बच्चों इसरो के परिवार को खूब आशीर्वाद दे रहा है और ऐसे ही बच्चों के लिए कदम से कदम मिला के बढ़ते जाएंगे आगे। और देखो इसरल में वही फैकल्टीज़ इसरल परिवार का जो हिस्सा बन रही है, देखो जिन्होंने खुद प्रूव किया, जिनके बच्चों ने प्रूव किया और जो हाईली एक्सपीरियंस टीचर है आज, तो आजकल तो भाई धम धमाधम आपके पास में लॉन्च वीडियोज़ भी आ रहे हैं बच्चों। फैकल्टीज़ का भी मैं थैंक यू बोलूँगा, इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ इसरल को ज्वाइन कर रही हैं, इट्स अवर जिसको कहते हैं ना ये हमारे भी सौभाग्य की बात है।
तो बच्चों मिलके फोड़ेंगे, मचा के दिखाएंगे।